जब मिस मार्वल का ट्रेलर रिलीज किया गया था तब तो मुझे लगा है कि यार इसमें ज्यादातर बच्चों के ऊपर फोकस किया जाएगा जो टीनेजर्स हैं, उनकी लाइफ के ऊपर फोकस किया जाएगा तो बड़ों के लिए इसमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा या फिर जो एडल्ट हैं, उनको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा यहाँ पर टीनेजर्स की जो सोलह साल के जैसे इसके अंदर बच्चे देखने को मिले थे ट्रेलर में तो ऐसी फीलिंग हुई थी कि यार नहीं यार एडल्ट इसको नहीं देख पाएंगे लेकिन जब ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आता है तो मेरे थॉट्स बदल जाते हैं तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे अभी तक तो पता ही चल गया होगा मिस मार्वल के फर्स्ट एपिसोड के बारे में देखो यार ये सबसे गलत चीज जो मुझे लगती है सबसे खराब चीज जो मुझे लगती है मार्वल की वो ये कि यार ये एक एक एपिसोड रिलीज करते हैं हर हफ्ते अरे इतने हर हफ्ते में इतनी सारी चीजें होती हैं

मैं ये कह सकता हूं कि हमें इस सीरीज के अंदर यह देखने को मिलेगा कि जो कमाला खान है उसके पास पावर जो पावर आई है वो सुपर हीरो की जो जर्नी है उसको कैसे कंप्लीट करती है उसका जो ये जर्नी वाला कॉन्सर्ट हमें देखने को इसमें मिलेगा क्या ये इलेवेंथ में पढ़ने वाली एक बच्ची जो एक अलग ही दुनिया में रहती है फैंटेसी में रहती है और एक जो इसका परिवार इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं यह मुझे बहुत अच्छा लगा और जो परिवार की रिस्ट्रिक्शन होती है अपने बच्चे के और बच्चा उस रिस्ट्रिक्शन से कैसे तंग आ जाता है तो ये सब चीजें आप देखोगे तो रिलेट कर पाओगे कि यार हाँ यार ये सब चीजें होती हैं हमारे घर वाले हमको बाहर जाने से रोकते हैं और यहां पर ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो अपने इल्जाम लगाते हैं अपने माँ बाप पे कि अरे ये मेरा भाई अगर तो आपसे परमिशन मांग रहा होता तो तुम्हारे विचार तो दूसरे होते शायद तुम इसे परमिशन देते वगैरह तो वगैरह ये हम नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल फैमिली के अंदर हम ये सब चीजें देखते भी हैं तो इससे रिलेट कर पाना थोड़ा सा आसान रहेगा खैर इस सीरीज में जैसे कलर भरे गए हैं वो यार बहुत ज्यादा मुझे अच्छे लगे हैं जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ तोते उड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर तोते उड़ने का मतलब है जो मतलब

मोहब्बत प्रेम करने लग जाएंगे ऐसा ही इसके साथ हो सो और उसके बाद जो मुझे अच्छी चीज लगी इस सीरीज में वो ये कि इसमें जो सॉन्ग है सॉन्ग नहीं या फिर कहूँ जो म्यूजिक है जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एक बहुत प्यारा जो उसकी धुन रखी गई है वो एक इंडियन कल्चर के या फिर कहें कि इंडियन म्यूजिक या हमारे एशिया के साइड का कल, कल्चर तो नहीं कहूंगा जो म्यूजिक है जो हम सुनते हैं वैसा आपको लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा वो सुनकर फिर यहाँ पर हिंदी में जैसे बात की गई है क्योंकि ये मूवी जो सीरीज है वो काफी सारी भाषाओं के अंदर रिलीज की गई है और मैंने इसको इंग्लिश में देखने ही कुछ की कोशिश की खासकर वहां पर मुझे लगा कि यार यहां पर तो हिंदी ही यूज़ की जा रही है तो जब मैंने इसको वो अलग बात है कि आप कहेंगे कि उर्दू होती है वैसे मैंने इसको मैं कह रहा हूं कि क्योंकि हिंदी ज़्यादा मिक्स हो जाती है उसके अंदर तो हमें हिंदी जैसी वो फीलिंग आने लग जाती है तो यहां पर जैसे मैंने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो जो वो बोल रहे हैं वो हिंदी में ही बोल रहे हैं वो अलग बात है मैंने कहा ना उर्दू में जो बात कर रहे हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इवन जब ये इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है लास्ट में जो रैप आता है वो हिंदी में इवन इंग्लिश में जब इसको देख रहा हूं लास्ट का रैप भी जो होता है वो उसको हिंदी में गाया गया है तो वो सब चीजें अच्छी चीज़े लगी इसके अलावा जो कमाला खान का जो करेक्टर वो बहुत ज्यादा प्यारा है क्यूट है यार वो बहुत पसंद आएगा आपको उसकी अपने एक ख्यालों की दुनिया है जैसे वो उसके डायलॉग है वो बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे वो क्यूट बहुत लगा यार सच में बहुत अच्छा लगा उसे देखकर अब इसके बाद वी देखो यार मार्वल है मार्वल कभी भी वीएफएक्स के मामले में कंजूसी तो करता है नहीं तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगी खैर अगर इस सीरीज का मैं कंपेरिजन थोड़े टाइम पहले मून नाइट जो एक सीरीज आई थी मार्वल की थी उससे अगर करूं यानी उसके फर्स्ट एपिसोड से और इसके मार्वल के मिस मार्वल के फर्स्ट एपिसोड से तो मुझे मिस मार्वल का जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा पसंद आया एज कंपेयर टू मून नाइट के क्योंकि यार मून नाइट का जो फर्स्ट एपिसोड देखा था उसका सेकेंड एपिसोड देखा था यार लिटरली उसके अंदर नींद आई थी मतलब बाद में जाके कुछ अच्छा हुआ था लेकिन स्टार्टिंग के जो एपिसोड है उसमें तो यार मैं ऐसे आंखें ओपन करता हूं कि यार इसको देख ले यार नींद ना आए तो वो हालात थे लेकिन इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को देखकर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि हां मिस मार्वल काफी एक अच्छी सीरीज स्टार्टिंग का एपिसोड तो मुझे लगा आने वाले टाइम में मे हमें और ज्यादा इसमें इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिले फिलहाल ये अब तक का जो फर्स्ट एपिसोड है इसका एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा हाँ हिंदी बहुत अच्छी है इसके अंदर मतलब कि जो हिंदी डब है हम इसके अंदर देखते हैं तो वो बहुत अच्छी है हमें बहुत अच्छा लगता है और इसको आप परिवार के साथ देखिए क्योंकि इसमें कोई भी वर्गर सीन ऐसा या फिर कोई भी वर्लगर लैंग्वेज भी इसके अंदर यूज नहीं की गई तो हां बच्चे जो एडल्ट हैं उनको भी ध्यान में रखकर ये सब चीजें की गई हैं तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है अगर आप लोगों ने ये एपिसोड देखा है तो अपने सुविचार कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर नहीं देखा है तो देख लो कहा ना फैमिली फ्रेंडली है आपको किसी भी ऐसे आंखें बंद नहीं करनी पड़ेंगी क्या एक मिनट कुछ था उसके अंदर क्या क्या तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट में जय हिंद